मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में दो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जिसमें से एक की मौत हो गई थी, मगर अब प्रशासन की तरफ से कड़ा कदम उठाया जा रहा है। सड़कों पर प्राइवेट वाहनों के चलने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो वहीं कल से मुंब्रा कौसा में जो भी सब्जी मार्केट लगते थे उन्हें पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया गया है। जब तक हालात नहीं सुधरते हैं तब तक ये सब्जी मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे, ऐसी जानकारी मनपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। इसके अलावा मुंब्रा के दादी कॉलोनी में मुस्कान अपार्टमेंट और विघ्नहर्ता अपार्टमेंट के जो 500 से 600 मीटर का दायरा है वहां जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगा दिया गया है, और बाकायदा मनपा की तरफ से दादी कॉलोनी के विघ्नहर्ता और मुस्कान अपार्टमेंट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर आदेश का बोर्ड लगा दिया गया है, कोई भी व्यक्ति यहां जा नहीं सकता है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विघ्नहर्ता AB विंग तो पहले से ही मनपा ने सील कर दिया था, मगर अब मुस्कान अपार्टमेंट में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद इस मुस्कान अपार्टमेंट को भी सील कर दिया गया है। हालांकि जिस कोरोना पॉजिटिव 57 साल व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिवार के 4 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है, वहीं और भी लोगों की तलाश की जा रही है कि कौन कौन से व्यक्ति से इस व्यक्ति के संपर्क थे, यानी कि विघ्नहर्ता अपार्टमेंट और मुस्कान अपार्टमेंट दोनों सील कर दी गई है। यहाँ तक कि इन दोनों इमारतों के आसपास में और भी जो इमारत हैं, एहतियात के तौर पर इमारत में रहने वाले लोगों ने खुद अपने इमारतों के गेट पर ताले लगा दिए हैं। इमारत में रहने वालों के लिए शासन प्रशासन की तरफ से ज़रूरत के सामान पहुँचाए जाएंगे, और वहीं जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद परिवार का जो डाटा लिया जा रहा था उस पर भी अफवाह फैल गई है कि NPR के लिए ये डाटा जुटाया जा रहा है, मगर मनपा अधिकारियों ने इस बात को गलत बताया है और कहा है कि कोरोना पॉजिटिव कोई भी पाया जाता है तो उसके घर में कितने परिवार में लोग हैं, किसकी उम्र कितनी है, ये सब मेडिकल के लिए जानना ज़रूरी होता है कितने लोग हैं। जो NPR से जोड़कर अफवाह फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। वहीं दादी कॉलोनी और सब्जी मार्केट पूरी तरह से बंद करने पर मनपा के अधिकारी मनीष जोशी ने क्या कहा है सुनिए। जोशी साहब, जिस तरह से दादी कॉलोनी में दो पेशेंट पाए गए थे तो उनके परिवार में या फिर जो मुस्कान अपार्टमेंट है उसमें उनके परिवारों में से और भी कुछ लोगों की जांच वगैरह चल रही है। देखिए, जब किसी घर में कोई पेशेंट पाया जाता है तो हमारी सर्वे टीम शुरू हो जाती है। सर्वे के बाद दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किए जाते हैं, हाई रिस्क एंड लो रिस्क। हम हाई रिस्क की यादी तैयार करते हैं, लो रिस्क की यादी तैयार करते हैं। हाई रिस्क वालों के इमीडिएटली हम स्वाब्स लेते हैं। स्वाब लेने के बाद जैसी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। इन द मीन टाइम जो हाई रिस्क होते हैं उन्हें हम इमीडिएटली क्वारंटाइन फैसिलिटी में हम भेज देते हैं। तो ये दोनों केसेस में जितने भी हाई रिस्क हैं उन्हें हमने क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेज दिया। और भी इसके अलावा कुछ दिशा निर्देश उस परिसर में दिए गए हैं क्या आप लोगों की तरफ से? देखिए, दिशा निर्देश तो ऐसे हैं, उस परिसर के लिए नहीं है, पूरे मुंब्रा के लिए दिशा निर्देश है, पूरे मुंब्रा के लिए दिशा निर्देश है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, मुंह को ढकिए और सही हर समय अपने हाथ धोते रहिए। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे मुंब्रा वासियों ने किया तो हम इस बीमारी को आसानी से फेस कर सकते हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ लिया गया था जो सब्जी मार्केट को लेकर, तो वो सब्जी मार्केटें जो है कल से जो है कब तक की बंद रहेगी? देखिए, ये सब्जी मार्केट जो हम बंद करेंगे उसका खुलने की कोई तारीख हमने निश्चित नहीं की है। ये खोलेगा प्रशासन, लेकिन हमारे मुंब्रा में COVID-19 के केसेस होने नहीं चाहिए। अगर केसेस हुए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, तो डेफिनेटली ये मार्केट खोलेंगे नहीं। अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो प्रशासन फिर कुछ सकारात्मक सोचेगा। तो जैसे दोस्ती में जो आइसोलेशन वार्ड या फिर होम क्वारंटाइन के लिए बात सामने आ रही थी तो क्या बनाया जा रहा है वहाँ पर? देखिए, एक लिमिटेड क्वारंटाइन फैसिलिटी है, मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। TMC की जो एस्टैब्लिश क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो भयंदरपाड़ा में है, कासर बड़वलमी है, टाटा अमंत्रा कल्याण में है, ये सिर्फ एक लिमिटेड पर्पस के लिए खोली गई। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।